हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में कांदिवली वेस्ट में मथुरा दास में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 2 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है और सिविल के साथ में हमने काम किया हुआ है। 2 BHK का जो पूरा कारपेट एरिया है वो 680 है। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इनिशियली जो पहले जो पूरा घर था वो घर किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में वो किस तरह दिख रहा है। काम किया हुआ है वो हमने यहाँ पे लोवर्स और लेमिनेट का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने किया हुआ है। लेमिनेट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वुडन फिनिश के अंदर हमने यहाँ पे जो लेमिनेट यूज़ किया हुआ है वो मैट फिनिश है। और उसके साथ में जो लोवर्स है तो लोवर्स में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रोज गोल्ड टाइप में और उसके साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन हमने लोवर्स में किया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो एक्सटर्नल जो हैंडल्स जो है सेफ्टी डोर का हैंडल्स भी हमने इस तरह से यहाँ पे रोज गोल्ड का हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और एग्जैक्टली सेंटर में आप जैसे आप ग्रिल देख रहे हो तो ग्रिल भी हमने यहाँ पे रोज गोल्ड की ग्रिल ली हुई है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो लोअर्स का जो हमने है फुल हमने यहाँ पे सीलिंग तक हमने उसको एक्सटेंड किया हुआ है, जिससे उसका जो पूरा एक वन पीस में पूरा इसका लुक आता है। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक डेकोरेटिव लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आइए देखते हैं कि मेन डोर अगर जैसे आप देखते हो तो एग्जिस्टिंग जो मेन डोर है वो एग्जिस्टिंग मेन डोर का हमने लेमिनेट यहाँ पे चेंज किया हुआ है और जो सेफ्टी डोर का जो लेमिनेट है वो लेमिनेट हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उसको लोअर से हमने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने रोज गोल्ड में हमने यहाँ पे टी पट्टी भी हमने यहाँ पे दी हुई है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि जैसे कि टीवी यूनिट भी अगर आप देखते हो तो टीवी यूनिट हमने यहाँ पे लेमिनेट फिनिश में इसमें लिया हुआ है। नीचे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सेंटर में हमने ड्रॉर्स का प्रोविज़न किया हुआ है। और उसी के बाजू आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में आप देखोगे तो एक हमने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है। और बैक साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोन फिनिश में हमने यहाँ पे लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है जो पैनलिंग में। और बैक साइड की जो टोटली जो वॉल है वो वॉल हमने यहाँ पे इसमें आप देखोगे तो छोटी साइज़ के जो लोअर्स आते हैं वो लोअर्स हमने यहाँ पे फिट किए हैं। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो एक स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट है कि स्टोरेज भी कहाँ पे आ सके, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज का भी एक प्रोविज़न किया हुआ है। इंटरनल अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इसमें ओपन है लेकिन इसके अंदर वुडन के सेल्स आएंगे। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि पैसेज एरिया है तो पैसेज एरिया के वहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का। और उसी की एग्जैक्टली पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कारपेंट्री वर्क में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो टेम्पल का जो प्रोविज़न चाहिए था तो टेम्पल का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो टेम्पल है रेडीमेड टेम्पल्स यहाँ पे लाए हुए हैं।
और एक उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो विंडोज़ है तो विंडो के नीचे भी एक सिटिंग अरेंजमेंट और स्टोरेज चाहिए था, तो वो इस तरह से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल नीचे में हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, और ऊपर का ये जो सेक्शन है, ये जो हमने काउंटर जो हमने जो लगाया है, तो ये काउंटर भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने विक्ट्रीफाइड टाइल्स हमने यहाँ पे उसमें यूज़ की हुई है। उसी के भी पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने ग्लास का हमने यहाँ पे टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बॉटम में लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। और एग्जैक्टली जैसे कि आप देखते हो तो फॉल सीलिंग का जो काम किया है, तो फॉल सीलिंग जो लिविंग एरिया है वो काफ़ी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल लिविंग एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग जो की हुई है, तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और उसमें आप देखोगे तो सर्कल लाइट्स हमने यहाँ पे चारों बाजू पे दी हुई है, जिससे जो पूरा जो लिविंग रूम है और लिविंग रूम भी काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने सिविल का जो काम है, सिविल का काम हमने काफ़ी किया हुआ है। जैसे कि आप नीचे में आप देखोगे तो ये जो फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग भी हमने पूरी रिप्लेस की हुई है। बाथरूम वगैरह जो है टोटल वो भी हमने यहाँ पे नए बनाए हैं। किचन में जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म भी ब्रेक करके हमने यहाँ पे नया बनाया है। टाइलिंग का काम भी हमने किया हुआ है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। किचन के अगर साइज़ अगर आप देखते हो तो 9 फीट 11 इंचज़ बाई 7 फीट 11 इंचज़ का पूरा ही किचन है। किचन जैसे आप देखोगे तो हमने आपको इनिशियली जो फ़ोटोज़ में हमने आपको दिखाया था कि पहले जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म वगैरह था वॉल टाइल्स थी, वो पूरा हमने ब्रेक किया हुआ है और पूरा हमने यहाँ पे नया बनाया है। सबसे पहले अगर हम सिविल में देखते हैं तो सिविल में जैसे कि काउंटर टॉप है, तो काउंटर टॉप का ऊपर का ये जो स्टोन है, स्टोन हमने यहाँ पे विक्ट्रीफाइड टाइल्स हमने इसमें ये यूज़ की हुई है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने ये वॉल टाइल्स जो है, वॉल टाइल्स भी हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ प्रिंटेड डिज़ाइंस में हमने यहाँ पे ये वाइट टाइल्स इसमें यूज़ की हुई है। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो आउटर फिनिश, आउटर फिनिश में जैसे कि हमने मॉड्यूलर का ये जो पूरा किचन में आउटर फिनिश हमने यूज़ किए, वो एक्रेलिक हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो हमने लॉफ्ट में जो कलर्स दिए हुए हैं वही सेम कलर्स हमने यहाँ पे बेस पार्ट में हमने दिया हुआ है, जो टर्केस ब्लू कलर है। और टॉप कैबिनेट्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो प्योर वाइट जो है वो प्योर वाइट कलर हमने इसमें दिया हुआ है। किचन में अगर आप देखते हो जैसे सिंक के नीचे हमने यहाँ पे दो ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें अगर आप हैंडल्स देखते हो तो हैंडल्स आप यहाँ पे हमने सिपी फिनिश में हमने यहाँ पे कर्व टाइप में इसमें हैंडल्स दिए हुए हैं, जिससे काफ़ी ये कॉन्ट्रास्ट भी लगता है और काफ़ी ये खूबसूरत भी दिख रहा है। उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हैट्रिक के ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फर्स्ट ड्रॉवर जो है ये जो प्लेन ड्रॉवर्स है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ड्रॉवर जो है वो एक साइज़ इससे बड़ा रहता है, जो स्पाइसेस की बॉटल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और लास्ट ड्रॉवर जो है यहाँ पे बड़े साइज़ के यूटेंसिल्स रखने के लिए है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हैं, दोनों प्लेन ड्रॉवर्स हैं। राइट साइड में यहाँ पे हमने कटलरी के लिए प्रोविज़न किया हुआ है, पीवीसी कटलरी है, रिमूवेबल है, निकाल सकते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं और इजीली रख सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे कैबिनेट्स हमने दिए हुए, जिसमें क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको जो मटका का रखने के लिए प्रोविज़न चाहिए था, और वो हाइड हो विजिबल भी ना हो तो क्या कर सकते हैं, और प्लस उनका गैस का जो मीटर है वो गैस का मीटर को भी हमें हाइड करना था। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दी हुए, यहाँ पे बॉटम में हमने यहाँ पे एक स्टोन दिया हुआ है, अंदर में यहाँ पे मटके के लिए प्रोविज़न है, और गैस का मीटर भी आप देखोगे तो वो भी पूरा हाइड हो रहा है। सर्विस काउंटर में अगर आप देखोगे तो जैसे कि किचन में एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक रोलिंग शटर का प्रोविज़न किया हुआ है, जो वाइट कलर में रोलिंग शटर है पीवीसी का। और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए है, और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मिक्सी यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे टेलीस्कोपिक चैनल के ऊपर एक सेल दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम में दो ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं, जो ग्रेन स्टोरेज वगैरह जो स्टोर करना है तो वो कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में यहाँ पे ऑनियन एंड पटेटोज रखने के लिए हमने यहाँ पे एक विकर बास्केट दी हुई है। एक
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लोर मिल के लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि फ्लोर मिल उन्हें रखना है तो वो क्या कहाँ पे रख सकते हैं, तो हिसाब से हमने यहाँ पे उनको फ्लोर मिल का भी एक अरेंज करके दिया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे हमने एक साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, इंटरनल एक सेल्स हमने दिए हैं, यहाँ पे दो ओपनेबल डोर्स हैं जो ग्रेन स्टोरेज के हिसाब से, और उसके पास में आप देखोगे तो एक स्पाइस पुल आउट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो टेंडम में। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने टॉप कैबिनेट जो हमने दिए हैं वो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बॉटम में अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है, और कहाँ पे भी हमने यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिए तो आप नीचे से काफ़ी इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एक टॉल यूनिट हमने दिया हुआ है जो प्रोफाइल डोर्स में है, और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है और ग्लास के सेल्फ्स है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो जो लॉफ्ट है तो लॉफ्ट आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टॉप कैबिनेट से थोड़ा लॉफ्ट को हमने बाहर निकाला है, जो सबसे क्लाइंट की भी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्टोरेज भी काफ़ी है और कहाँ पे रख सकते हैं, तो कुछ डेड स्टोरेज जो रहता है जो कम यूज़ करते हैं तो उसको रखने के लिए भी एक प्रोविज़न होती है किचन में, तो इस हिसाब से हमने वो ध्यान में रखे यहाँ पे स्टोरेज हमने उनको थोड़ा डेप्थ वाइज ज़्यादा दिया है। आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया में हमने क्या काम किया है वो आपको दिखाते हैं। पैसेज एरिया में अगर आप देखते हो तो पैसेज एरिया में जो वॉल टाइलिंग का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है सीलिंग में भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो बेडरूम के और बाथरूम के यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो डोर्स है वो डोर्स के लेमिनेट्स हमने यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लॉसी फिनिश हमने यहाँ पे लेमिनेट्स लिए हुए हैं, और सेंटर में हमने यहाँ पे डार्क कलर से लेमिनेट्स को उसको हाईलाइट किया हुआ है, और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे दो टी पट्टीज़ भी हमने यहाँ पे दी हुई है जो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेक भी हो रहे हैं। और उसके लिए एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे रोज़ गोल्ड में हमने यहाँ पे हैंडल्स भी दिए हुए हैं। इंटरनल अगर आप देखते हो तो एक वैनिटी की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी तो एक वैनिटी स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी आप डोर ओपन करते हो तो बॉटम में हमने यहाँ पे एक एसएस की यहाँ पे जाली दी हुई है, और ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मिरर्स का भी प्रोविजन दिया हुआ है लाइट्स के साथ। प्लस अगर आप बाथरूम भी पूरा देखते हो तो बाथरूम भी पूरा हमने यहाँ पे रिनोवेट किया हुआ है, जो एग्जिस्टिंग जो की जो टाइल्स थी वो टाइल्स पूरे हमने यहाँ पे चेंज की हुई है, फ्लोरिंग चेंज हुआ है। प्लस ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पीवीसी सीलिंग का भी काम किया हुआ है। कॉमन बेडरूम में अगर आप देखोगे तो जैसे कि क्लाइंट के पास उनका एग्जिस्टिंग जो वार्डरोब था कारपेंटरी में बना हुआ, तो वो वार्डरोब उनको वो डिसमेंटल नहीं करना था, उनको वो वार्डरोब वही कंटिन्यू रखना था, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो उनका बाहर का जो लेमिनेट्स है वो लेमिनेट्स हमने चेंज किया हुआ है। लेमिनेट्स के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने गोल्डन में हमने यहाँ पे टी पट्टीज भी हमने यहाँ पे उनको दी हुई है। वार्डरोब के अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक में बेड का भी प्रोविजन किया हुआ है। बेड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडबोर्ड है और हेडबोर्ड के बैक साइड की वॉल जो है वो वॉल को हमने यहाँ पे चारकोल से हमने उसको यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। बेड में भी आप इंटरनल अगर आप स्टोरेज देखोगे तो उनको स्टोरेज भी काफ़ी हम यहाँ पे उसको मिल रहे, और बेड के अगर आप साइड में देखते हो तो यहाँ पे हमने एक साइड टेबल का भी प्रोविजन किया हुआ है, और उसके यहाँ पे दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सीलिंग का भी काम किया हुआ है। सीलिंग में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो थोड़ा डेकोरेटिव सीलिंग चाहिए थी तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव सीलिंग हमने यहाँ पे की हुई है, और उसके एग्जैक्टली पास में देखोगे तो यहाँ पे एसी के लिए पैनलिंग का भी काम किया हुआ है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम हमने क्या काम किया है और वो किस तरह से दिख रहा है। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का जो वार्डरोब और बेड है उसका हमने लैमिनेट चेंज किया हुआ है। उसका एक रीज़न ये भी था कि मटेरियल जो उनका जो काफ़ी अच्छा था, और दूसरा एक चीज़ था कि उनको मॉड्यूलर में क्या है कि लिमिटेड उनको एक्सपेंस करना था, तो वो हिसाब से क्या कर सकते थे तो वो हिसाब से हमने उनको सजेशन दिया कि आप ऐसा हो तो इसका खाली आउटर लेमिनेट आप इसका चेंज कर दीजिए, तो वो हिसाब से आउटर लेमिनेट हमने उनका चेंज किया हुआ है यहाँ पर टॉल यूनिट का, और ऊपर के आप देखोगे तो लॉफ्ट का। उसी तरीके से अगर आप बेड भी देखते हो तो बेड का भी हमने यहाँ पर लेमिनेट्स हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। बेड के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हेडबोर्ड है हेडबोर्ड हमने यहाँ पे नया बनाया है, और हेडबोर्ड के ऊपर जो है यहाँ पे जो पैनलिंग है ये पैनलिंग हमने चारकोल में हमने यहाँ पे की है। उसी के साथ में आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग उनका जो साइड टेबल है वो साइड टेबल हमने एज इट इज़ रखा है, खाली ऊपर का जो लेमिनेट है लेमिनेट हमने चेंज किया हुआ है। प्लस आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिरर की भी रिक्वायरमेंट थी तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे मिरर हमने यहाँ पे नया प्रोवाइड किया हुआ है।
ऊपर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का जो काम किया हुआ है, फॉल सीलिंग भी जैसे कि जो बेड का जो साइज है, साइज के हिसाब से थोड़ा डेकोरेटिव उनको फॉल सीलिंग चाहिए थी, तो वो हिसाब से डेकोरेटिव फॉल सीलिंग और इंटरनल जो प्रोफाइल लाइट्स है वो प्रोफाइल लाइट्स भी किस तरह से ज़्यादा लाइट्स आ सके वो ध्यान में रख के हमने इस तरह से डिज़ाइन हमने उनको सजेस्ट की थी। आइए देखते कि बाथरूम, बाथरूम में जैसे कि आप देखोगे तो मास्टर बाथरूम में हमने पूरा टोटल ये नया काम किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरिंग, वॉल टाइल्स और ऊपर में पीवीसी सीलिंग्स, ये सारी चीज़ हमें नई की हुई है टोटली। उसी के साथ में आप नीचे में देखोगे तो जो वेनिटी यूनिट है, तो ये वेनिटी काउंटर भी हमने यहाँ पे नया किया हुआ है। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे बेसिन है, तो बेसिन के यहाँ पे साइड में भी अगर आप देखते हो तो हमने एक डेकोरेटिव लाइट्स हमने और नीस एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने चेंजेबल लाइट्स में हमने यहाँ पे मिरर का भी प्रोविज़न किया हुआ है। प्रतीक थोड़ा जल्दी कर जा हमारे निकट। हेलो गाइस, जैसे कि हमने आपको पूरा घर का हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, आइए हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको जो हमने पूरा घर जो बना के दिया है वो उनको किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है आशीष सलोट जी और निशा सलोट जी। तो जैसे आशीष जी, जैसे कि हमने आपको ये पूरा ये 2 BHK का पूरा इंटीरियर का हमने जो काम करके दिया है, तो आप देखोगे तो पूरा स्क्रैप से लेके हमने पूरा काम किया है, जो सिविल का भी अगर आप कहते हो सिविल भी है और पेंटिंग का काम है, फॉल सीलिंग का काम है और प्लस मॉड्यूलर में और उसमें कुछ कारपेंटरी वर्क भी है। तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में, हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे? थैंक यू। किसी को भी घर चेंज घर इनोवेट करना है, इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। और जिस हिसाब से आपकी टीम ने काम किया है, वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। दो तीन ऐसे पॉइंट है जो मेरे कंसर्न थे, जैसे हमें को कुछ भी चीज़ लेने जाना है तो दे वे नॉट इंसिस्टिंग कि यहाँ से ही लेना है। हमने बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ लिया है, चाहे वो सनमाइका है, चाहे टाइल्स है, चाहे बाथरूम फर्नीचर है, बट उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आप यहाँ पे ही लेना है। सो दैट इज़ मेड अस वेरी वेरी कन्वीनियंट, और जो हमको जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमको मिली उसी हिसाब से। और छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हमको मालूम नहीं पड़ती थी, लेकिन उन्होंने बताया, जैसे हमारा कोई इंडियन सिटिंग है तो वो हमको कुछ अलग पसंद आया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपके ओवरऑल लुक में नहीं बैठेगा, आप सनमाइका वगैरह के साथ देखोगे तो। और हमने एक्चुअली वो देखा तो वो बात सही थी, फिर हमने वो नहीं लिया और उन्होंने जैसे बताया वैसे ही किया, तो पूरा लुक ही अलग आ गया। फिर कोई कोई सैंपल्स हमने सिलेक्ट किए थे, तो सैंपल में बहुत अच्छा लगा हमको कि ये लगाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं ये खाली सैंपल है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, अगर आप पूरा लगोगे पूरा हॉल बॉडी पे तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, आप इसको देखो इसमें अच्छा आएगा। और वैसे वाले सजेशन छोटे छोटे थे लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव थे, तो ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली जो उनकी टीम है जिसमें जीतू भाई, चेतन भाई और दिनेश भाई, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इवन हमारे नेबर्स भी बाहर से आके बोल के गए कि कभी काम हुआ मालूम नहीं पड़ा, उतना आवाज़ भी नहीं हुआ। और हमारी सोसाइटी में रूल है कि दोपहर में 2 से 4 आवाज़ नहीं करना है, तो दे परफेक्टली मेंटेन दैट। 2 बजे मतलब आवाज़ वाला काम नहीं करते थे, दे अरेंज एवरीथिंग, अदर थिंग जो आवाज़ नहीं आए वैसा काम करते थे। और बाकी बहुत सारे अलग अलग सुझाव, और जहाँ हमने बोला वो टाइम पे वो आ गए, तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया था। सो वी आर वेरी मच हैप्पी। और अभी जो जो घर पे आ रहे हैं वो तो अभी मेरी वाइफ बताएगी कि सब लोग ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है, और हर लोग पूछते हैं आपने कहाँ करवाया, आप मेरे को उनका कांटेक्ट दो, हमको भी करवाने का है एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ दी व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच आशीष जी। और निशा मैडम, जैसे कि इनिशियली आपसे भी बात हुई थी कि जैसे कि हम फर्स्ट मीटिंग में भी आए थे, तो आपको भी कंसर्न था कि इतना मेरा ड्रीम हाउस है और ड्रीम हाउस मेरा इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, और जो टाइमलाइन थी वो टाइमलाइन के हिसाब से और जो सिलेक्शन जो चाहिए था तो अकॉर्डिंग टू जो आपकी जो चॉइस थी उसके हिसाब से पूरा काम हुआ है क्या? और दूसरा और एक चीज़ है मेन, जो किचन, किचन जो आपको एक काफ़ी स्पेशियस चाहिए था और काफ़ी स्टोरेज भी आपका काफ़ी है किचन के अंदर, वो हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर फुलफिल हुई है रिक्वायरमेंट्स आपकी?
यस, लेडीज़ लोगों का ना किचन का सबसे पहले देखते हैं लेडीज़ लोग, दूसरा कुछ हो ना हो किचन इज़ द मस्ट। सो ज़्यादातर टाइम लेडीज़ लोग किचन में ही निकालती है, और बहुत ही अच्छा किचन किया है, जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा किचन हुआ है। और ओवरऑल सब जहाँ पे भी हमको लगा है कि नहीं ये सनमाइका या टाइल्स किसी में भी हम लोग को, कोई भी दिनेश भाई हो या जीतू भाई हो या चेतन भाई हो, इतना कोऑपरेशन दिया है सिलेक्शन में, या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो कि जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हुए हो तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा करो, तो बहुत ही अच्छा सुझाव उन लोग का था, डायरेक्शन भी अच्छा था। अभी दो दिन पहले मेरी सब फ्रेंड इधर घर पे आके गए, सब लोगों ने इधर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है कि आप प्रथम मॉड्यूलर किचन का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, पूरा वीडियो लेके गए हैं। तो इतना अच्छा लगा उनको, ज़्यादातर किचन अच्छा लगा, बाथरूम अच्छा लगा, बोला इंटीरियर इतना अच्छा बनाते हैं उन लोग, तो आप नंबर दीजिए तो हम लोग श्योरली उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। और सब इतना टाइमलाइन के हिसाब से और इतना अच्छी तरीके से, काइंडनेस बहुत था। कोई भी हो कुछ भी चीज़ के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर पोलाइटली एकदम समझा के हम लोग को बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इतना अच्छा हमको लगता था कि नहीं बहुत ही पोलाइटली उन लोग का जो भी था आंसर वो बहुत अच्छा था, रियली वेरी नाइस इट इज़। थैंक यू निशा मैडम। जैसे कि निशा मैडम और आशीष सर का जो उनका जो हमारे साथ का जो एक्सपीरियंस है, जो उनके जो एक्सपेक्टेशन से हमने ट्राई किया कि हम उसको काफ़ी उससे बेटर बना के दें, और वैसे ही हमने बना के दिया है। तो आपको निशा मैडम और आशीष सर थैंक यू सो मच जो आपने हमें अप्रोच किया और हमें काम दिया उसके लिए भी, और आगे जो आप हमें रेफरेंस देंगे उसके लिए मैं आपको एडवांस में आपको थैंक यू कह देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने हमारा पूरा ये 2 BHK का हमारा वीडियो देखा है, आपने आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स उसमें इसमें फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।